मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 18 के क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इसके अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है? पाठ में आए 6 संज्ञा शब्द लिखिए। पाठ में आए 6 संज्ञा शब्द लिखिए। संज्ञा शब्द किसे को कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें हमको क्या लिखने हैं? पाठ में आए 6 संज्ञा शब्द लिखने हैं। तो क्या क्या शब्द लिखेंगे? सचिन। सचिन क्या है? संज्ञा शब्द। सचिन। पानी। पानी भी क्या है? संज्ञा शब्द। क्या है? संज्ञा शब्द। सचिन, पानी। घास। सचिन, पानी, घास। सचिन, पानी, घास। गिलास। टिन। टिन। पत्ता। पत्ता। तो पाठ में आए क्या लिखने हैं? संज्ञा शब्द लिखने हैं। सचिन, पानी, घास, गिलास, टिन, पत्ता। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाइए। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो इनके क्या लिखने हैं? हमको बहुवचन शब्द लिखने हैं। बूंद का क्या होगा? बूंदे। बूंद का बूंदे। पत्ता का पत्ते। पत्ता का पत्ते। ठंडा। ठंडे। ठंडा। ठंडे। बच्चा। बच्चे। बच्चा। बच्चे। बूंद। बूंदे। पत्ता। पत्ते। ठंडा। ठंडे। बच्चा। बच्चे। बेटा। बेटे। बेटा। बेटे। झरना। झरने। झरना। झरने। तो इसमें हमको क्या लिखने हैं? पाठ में आए बहुवचन शब्द बहुवचन बनाकर लिखने हैं। इन शब्दों के क्या बने हैं? बहुवचन। और इनमें जो पाठ में आए वो संज्ञा शब्द लिखने हैं। संज्ञा शब्द क्या है? सचिन, पानी, घास, गिलास, टिन, पत्ता। ये क्या है? संज्ञा शब्द। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा था हमने? बहुवचन बनाकर लिखे थे। ये क्या है? एक वचन है। तो इनके हमने क्या बनाए थे? बहुवचन शब्द बनाए थे। तो कैसे बनाए? बूंद, बूंदे। पत्ता, पत्ते। ठंडा, ठंडे। बच्चा, बच्चे। बेटा, बेटे। झरना, झरने। झरना, झरने। तो ये क्या है? इनके बहुवचन। तो आज आपको क्या करना है? इन क्वेश्चन आंसरों को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 18, जिसका क्या नेम था? सचिन को मिला पत्थर। तो ये क्या है? चैप्टर 18 के क्वेश्चन आंसर। इन क्वेश्चन आंसरों को क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है? अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। इन सभी क्वेश्चन आंसरों को क्या करोगे? पहले अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और फिर इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज आप क्या करोगे? पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, इसको अच्छे से समझोगे, फिर ये
क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करोगे, फिर इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।